ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया नौशीन है। आई एम कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट विद माय स्पेशल इंटरेस्ट इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है फीमेल इंटीमेट हाइजीन, हाउ यू कैन मेंटेन योर हाइजीन और अगर ये मेंटेन नहीं होती तो इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइजीन जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है वो इस पे डिज़ाइन हुआ हुआ है कि हमारी वेजिनल पीएच एसिडिक है। इट रेंजेस फ्रॉम 3.5 टू 4.5 एंड देर आर हेल्दी बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि नेचुरली हमारे वजाइना में प्रेजेंट हैं और उसकी टेक केयर कर रहे हैं। और अगर किसी भी वजह से ये पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और जो आपके बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो ओवरकम कर जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं लाइक डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, इचिंग का प्रॉब्लम या स्मेली वजाइना, ये सारी चीज़ें फिर आप फेस कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि अब वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में, रूटीन में यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से आपकी पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। उसमें सबसे पहले सेंट्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, आप सोप्स यूज़ करी हैं या पाउडर, टैल्कम पाउडर कुछ ख़वातीन यूज़ करती हैं, वेजिनल वॉशेस यूज़ करी हैं जिसके अंदर कोई केमिकल्स डले हुए हैं। किसी भी किस्म का बाहर से कोई केमिकल आता है तो वो आपकी पीएच को डिस्टर्ब कर देगा और आप इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, वेजिनल इन्फेक्शन। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फीमेल्स के, तो फिर हम ऐसी क्या प्रोडक्ट यूज़ करें जिसकी वजह से हमारा एक नेचुरल बैलेंस भी चलता रहे और वो हमारी पीएच को डिस्टर्ब ना करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोडक्ट की विच इज़ बेस्ट फॉर इंटीमेट हाइजीन और मेरे पेशेंट्स को जिनको मैंने रिकमेंड किया है उनकी तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं। इट इज़ बायोमूस फ्लोरा, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ CCL कंज्यूमर हेल्थ केयर। और इसके अंदर सारे, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इट कंटेन्स एलोवेरा, टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड एंड प्रो विटामिन B3 एंड B5। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज शॉर्टली कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले लैक्टिक एसिड है जो आपकी पीएच को उसी तरह मेंटेन रखेगा, एसिडिक रखेगा ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो कि मॉइस्चराइजिंग और एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को और आपकी इसी तरह से, वो भी नेचुरल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये तो सबको पता है एलोवेरा के बारे में। फिर आ जाता है टी ट्री ऑयल जिसकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं उसको ओवरग्रो नहीं होने देता, तो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उनका एक नॉर्मल जो उसकी अमाउंट है उसको मेनटेन रखता है ताकि आपकी हाइजीन मेनटेन रहे। In the last, we will talk about pro vitamin B3 and B5. As you know that vitamins are healthy for us और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेम इसी तरह से B3 एंड B5 जो हैं वो आपकी स्किन को हीलिंग में प्रमोट करते हैं, नरिशमेंट देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इनका आता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप बायोमूस फ्लोरा अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकती हैं ताकि आपकी एक नेचुरल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। और प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स विच कंटेन केमिकल्स क्योंकि वो आपकी सारी हाइजीन को, पीएच को, हर चीज़ को वो डिस्टर्ब कर देंगी और सारा सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो डिस्चार्ज, स्मेल, इचिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।